बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं असेसमेंट ऑफ फर्म के क्वेश्चंस। इनकम टैक्स का ये चैप्टर है। आरबीडी बुक से हम इस क्वेश्चन को ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर एक देखें। एक फर्म में ए तथा बी सक्रिय साझेदार है तथा सी और डी काम न करने वाले निष्क्रिय साझेदार है। 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभानी खाता 25,000 रुपए का लाभ दिखाता है। इसे आप अंडरलाइन कर लें क्योंकि प्रश्न यहीं से स्टार्ट होगा। पीएनएल प्रॉफिट दिया हुआ है। यह लाभ निम्नानुसार साझेदारी संलेख के अनुसार साझेदारों को वेतन और ब्याज देने के बाद किया गया है। यानी इसमें से जो साझेदारी संलेख के अनुसार वेतन दिया गया था और ब्याज भी उसी के अनुसार दिया गया था एज पर द पार्टनरशिप डीड। तो ये बात लिखना उसमें जरूरी था। आगे देखें क्या है। सैलरी ए को दिया है और बी को दिया है। सी और डी को नहीं दिया क्योंकि ये निष्क्रिय साझेदार है। इंटरेस्ट 12%, तो 12% सही दिया है क्योंकि 12% तक आप दे सकते हो तो वो भी ठीक है। और वो चारों को दिया जाएगा, ये भी हमने रूल्स में पढ़ा है कि ब्याज तो सबको दिया जाता है चाहे सक्रिय हो या निष्क्रिय हो। साझेदारों को लाभ हानि में हिस्सा बराबर है। आपको कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए फर्म की व्यवसाय से आय शीर्षक की कर योग्य गणना करनी है। तो अपने को बताना है कि इसकी फर्म की कितनी इनकम हुई। केवल इनकम कैलकुलेशन है, इसमें टैक्स पे कोई बात नहीं है। तो छोटा सा क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर बच्चों इसमें एक अमाउंट का कॉलम बनेगा और चूंकि इस प्रश्न में हमें सिर्फ इनकम फ्रॉम बिजनेस पूछा है तो वो बताना है। स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एज पर पी एंड एल। तो पीएनएल के अनुसार जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो आपके 25,000 का दे रखा है। एड बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए रेमुनरेशन एक बार हमेशा जोड़ा जाता है, ये फिक्स रूल रहेगा। तो रेमुनरेशन के बारे में हमने रूल ये पढ़ा है कि रेमुनरेशन कहो चाहे फीस कहो चाहे सैलरी कहो चाहे कमीशन कहो, कुछ भी बोले वो सब पार्टनर को जो आपने दिया ब्याज के अलावा सब रेमुनरेशन माना जाएगा। एक बार उसको डिसअलाउड ही करना होता है, रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर। तो कितना है रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर? तो उसमें दो हैं, 25,000 और 30,000। एक बार डिसअलाउड करना होता है, आप इसको ऐसा समझ ले हमेशा जोड़ा जाता है, 25,000 और 30,000। क्लियर? तो कितना हुआ? 55,000। जब आप इसे जोड़ देते हो तो जो आएगा वो बुक प्रॉफिट कहलाएगा। कितना हुआ बुक प्रॉफिट? 80,000। इसका मतलब आप लोगों ने ये भी समझा कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो तो घटाना ही होता है अपने को, क्योंकि इसमें पहले से घटा हुआ था इसलिए अपने उसको कोई एडजस्ट नहीं किया। रेम्यूनरेशन घटा हुआ था लेकिन उसको वापस जोड़ना होता है क्योंकि उसको हम डिसअलाउड करते हैं वन टाइम, फिर धारा 40B में उसको अलाउड करते हैं। तो अब आप जब बुक प्रॉफिट आ जाता है ना, तब आपको पहला काम करना है लेस अलाउड रेम्यूनरेशन अंडर सेक्शन 40B। ये आपको ऐसे लिखना है। और 40B में ये होता है कि क्या लिखा था, फर्स्ट 90% पे, यानी जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट होने पर फर्स्ट जो कितना प्रॉफिट, 3 लाख, फर्स्ट 3 लाख प्रॉफिट पे 90% तक ले सकते हैं। अब चूंकि इसमें प्रॉफिट ही 80,000 है ना, तो 80,000 का लेंगे तो 80,000 का कितना परसेंट, 90% कितना होता है? हाँ जी, 72,000। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हुआ, इस पे फर्स्ट मार्क कर लो। और सेकंड होता है मैक्सिमम कितना, 1,50,000। सही है, दोनों में से क्या जो अधिक हो, तो अधिक कौन है, तो यहां पे लिख दो दोनों में से अधिक। तो अधिक कौन हुआ? 72,000, 1,50,000। ठीक है, ये हमने लिख दिया। लेकिन यहां पे इसका फिर कंपैरिजन होगा एक्चुअल से,
थर्ड पॉइंट लिख दो, एक्चुअल और 1,50,000, विच एवर इज लेस। जो उन्होंने दिया है 55,000, एक्चुअल कितना हुआ? आप इसके नीचे लिख लेना, एक्चुअल के नीचे 55,000। एक्चुअल और 1.5 लाख दोनों में से जो कम है वो लेंगे। तो रूल एकदम से क्लियर हो गया। पहले आप देखोगे कि प्रॉफिट का 90% या 1.5 लाख, दोनों में से जो भी अधिक हो वो अलाउड हुआ, उसका कंपैरिजन आप एक्चुअल से करो, ठीक है? दोनों में से जो भी कम होगा उसको लेना है। तो यहां पे हमने कहा कि भाई इन दोनों में तो ज्यादा कौन था, तो 1,50,000 ज्यादा था। इस 1,50,000 और एक्चुअल में, यानी आप इसको ऐसा समझे कि आप अधिकतम 1,50,000 तक इस पॉइंट में दे सकते थे रेमुनरेशन का, लेकिन चूंकि आपने वास्तव में 55,000 ही दिया है तो 55,000 मान्य हो गया, है ना? तो यहां पे विचेवर इज लेस का मतलब 55,000 आप इसमें से घटा देंगे, घटाने पर आपका प्रॉफिट आ जाएगा कितना था, 25,000। ये आपका पॉइंट हो गया, ये आंसर है। कोई दिक्कत है बच्चे? देखिए आगे, तो कुल मिला के रूल याद रहेगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते, जैसे 3 पॉइंट बनाए ना, आप पहला पॉइंट लिख दो 90% या 1,50,000, उसमें जो अधिक है, ठीक है? और सेकंड पॉइंट लिख दो एक्चुअल। अब इन दोनों में से जो क्या होता है, लेस, जो दोनों में कम है वो लेस, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखें प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें दिया हुआ है एक फर्म में राहुल, विपुल और अमरदीप साझेदार हैं, जो कि 3:2 और 1 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उनकी फर्म का लाभ हानि खाता निम्न प्रकार से है। तो उसमें आपको पीएनएल अकाउंट दे रखा है। अब पीएनएल अकाउंट में क्या है वो देखें। पीएनएल अकाउंट में इधर ऑफिस सैलरी लिखी है, अलाउड होती है, रेंट अलाउड है, जनरल एक्सपेंसेस अलाउड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24% दिया है। हमारा रूल 12% क्या कर देगा, डिसअलाउड कर देगा। एक ही बात है, 12% यदि आप अलाउड बोलते हो तो 12% डिसअलाउड हो गया। तो डिसअलाउड करोगे तो प्लस का निशान लगाना पड़ेगा। सैलरी टू विपुल डिसअलाउड और कमीशन टू अमरदीप डिसअलाउड, क्योंकि ये रेमुनरेशन में आते हैं दोनों। रेमुनरेशन जो होता है वो एक बार आपको डिसअलाउड ही करना होता है, फिर धारा 40B में घटा देते हैं। इनकम में ये अलाउड है, ये भी अलाउड है, सन्ड्री रिसिप्ट्स डिस्काउंट अलाउड है, नेट लॉस तो लॉस है ही है। लॉस होने पर आप 1,50,000 रुपए तक क्या दे सकते हो, रेमुनरेशन दे सकते हो अंडर सेक्शन 40B। अगर किसी बिजनेस में लॉस होता है तो रेमुनरेशन जो है वो 1,50,000 तक दिया जा सकता है। अब आप देखो इस प्रश्न में रेमुनरेशन ये दो है, इनकी टोटल बताना कितनी होती है। अट्ठावन हजार 600 होती है, तो ये अलाउड हो जाएगा ना सारा 40B में, क्योंकि 1.5 लाख से कम है। तो कुल मिला के आप निष्कर्ष ये याद रखो इस बात के लिए कि यदि रेमुनरेशन 1.5 लाख से कम है ना, तो सीधा ही अलाउड कर दो, कोई नियम लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा आप ये लिख दो इट इज बिलो 1,50,000 अलाउड। क्लियर? जब 1,50,000 से ज्यादा हो ना कभी भी, तब आप पहले फर्स्ट 3 लाख पे 90%, है ना, उसके ऊपर जो होता है उस पर 60%, ये गणित तब निकालनी है जब 1.5 लाख से ऊपर हो। 1.5 लाख से नीचे है तो सीधा अलाउड करना है धारा 40B में। इसका रूल भी फिक्स हो गया, एक बार डिसअलाउड और बाद में अलाउड, ठीक है ना? एक बार डिसअलाउड करना है, जैसे मैंने प्रश्न में देखते डिसअलाउड किया। वापस ये जो 58,600 है ना, वो धारा 40B में बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद में इसको लेस कर दूंगा। क्लियर? अब आगे देखें, इसमें कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए फर्म की कुल आय यह मानते हुए ज्ञात कीजिए कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज और पारिश्रमिक साझेदार संलेख की शर्तों के अनुसार दिया गया है। विपुल और अमरदीप सक्रिय साझेदार भी हैं। कोई दिक्कत नहीं, अब से सॉल्व करते हैं।
मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखते हैं। इसमें हम कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस प्रॉफिट ऑफ फर्म करना है। स्टार्ट वहीं से, प्रॉफिट से। प्रॉफिट एज पर P&L, तो इसमें आपके प्रॉफिट दे रखा है लॉस 50,400, तो ब्रैकेट में लिख दो, यानी माइनस का 50,400 लिखना है। ये तरीका हमेशा अपनाना है, कभी भी लॉस लिखा हो तो लॉस नहीं लिखना, माइनस लिखना है। तो माइनस का 50,400 से प्रश्न स्टार्ट हो जाएगा। ब्रैकेट में लिखने का मतलब माइनस है। अब आप इसमें लिखिए एड डिसअलाउड। तो डिसअलाउड में हमने क्या क्या डिसअलाउड किया मेरे बच्चों? एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% एक्स्ट्रा दिया हुआ था, तो 12% डिसअलाउड किया, तो वो कितना दे रखा है तीनों को? 30,000, 27,000 और 28,400, तीनों की जोड़ लगा लो ना। 30,000 मेरे को बोलना एक बार, 30,000 प्लस 27,000 प्लस 28,400, तीनों का आ गया। ये कितना परसेंट है? 24% है, तो अपने को कितना चाहिए? 12%, तो बट्टे 24 × 12 कर लो, कितना आता है? हाँ बेटा, 43,000, 42,700, ठीक है बच्चों, ये डिसअलाउड किया। फिर उसके बाद में आपके सैलरी ऑफ विपुल और कमीशन टू अमरदीप, ये भी डिसअलाउड किए थे। तो सैलरी ऑफ अमर विपुल तो वो आपके है 33,000, और अगला है आपके कमीशन टू अमरदीप, ये दोनों ही रेमुनरेशन होता है, पच्चीस हजार छह सौ। डिसअलाउड सारे आ गए, और तो कोई डिसअलाउड नहीं किया ना बच्चों? यहां तक का टोटल लगाओ कितना आता है? ये आपका बुक प्रॉफिट होएगा 50,900, ये आपका बुक प्रॉफिट आ गया। कोई दिक्कत भी आ रही बच्चों बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने में? अब इस बुक प्रॉफिट में से लेस अलाउड रेमुनरेशन, तो अलाउड रेमुनरेशन में यहां पे लिख दो 1,50,000 से कम है, अतः टोटल अलाउड, इसको अंग्रेजी वाले इंग्लिश में लिख लेना, कितना है? हमने टोटल लगाई थी ना दोनों रेमुनरेशन की, ₹58,600, जोड़ो कितना आता है? हाँ, लेस होगा तो फाइनली आता क्या है? माइनस का, माइनस का 7,700, ये आपका प्रॉफिट आया। अब चाहे इसे प्रॉफिट लिख के माइनस लिखते हो तो वो लॉस ही होता है, ये चीज ध्यान रखना है। और आप अगर 7,700 पे माइनस नहीं लगाते हो तो आगे लॉस लिख देना, ठीक है ना? और प्रॉफिट और लॉस में नहीं उलझो तो इनकम लिख देना, इनकम ऑफ फर्म। तो इनकम ऑफ फर्म में नेगेटिव और पॉजिटिव इनकम हो सकती है, तो दोनों ही हो जाएगा, ठीक है? ये आपका इतना ही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आप देखें लिखा है 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एक व्यावसायिक साझेदारी फर्म का लाभ खाता इस प्रकार से है। तो P&L अकाउंट अपने को दिया हुआ है। P&L अकाउंट में आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अलाउड होता है, रेमुनरेशन टू द पार्टनर एक बार डिसअलाउड होता है, इंटरेस्ट टू द पार्टनर 20% दिया हुआ है तो 8% डिसअलाउड होता है, और म्यूनिसिपल टैक्स पेड डिसअलाउड हो जाएगा, अदर एक्सपेंसेस प्रश्न में देख लेंगे, नेट प्रॉफिट हो ही गया जहां से प्रश्न स्टार्ट होता है। सेल्स में, सेल्स आपका बिजनेस का है, अलाउड ही है। रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी डिसअलाउड है, ये HP में चला जाएगा, HP हेड है ये। और ग्रॉस इंटरेस्ट, ग्रॉस इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 1/5/2020
तो ये भी आपके अदर सोर्सेज हेड में चला जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट उसमें है। और चूंकि हम इनको डिसअलाउड भी करना पड़ेगा क्योंकि ये बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड की इनकम में है, तो ये डिसअलाउड तो होंगे बीपी हेड के लिए, और ये एचपी में चला जाएगा और ये अदर सोर्सेज में चला जाएगा, जैसा कि हम हमेशा बीपी हेड में करते आए हैं। अब उसके बाद में अन्य सूचनाएं क्या है वो देखें। अन्य सूचनाएं निम्न प्रकार से है, पहला पारिश्रमिक में 40,000 रुपए के वेतन के और शेष कमीशन के हैं। वेतन और कमीशन केवल सक्रिय साझेदार को दिया गया, ठीक है, ये सारा आपने एक बार डिसअलाउड करना है, बाद में अलाउड कर देना है। इस पॉइंट का मतलब फिलहाल कोई विशेष इम्पैक्ट नहीं आएगा सवाल पे, है ना। अन्य व्ययों के संबंध में 24,000 रुपए की कटौती अधिनियम की धारा 40A के अंतर्गत अस्वीकार्य है, तो ये 40A में ये डिसअलाउड है तो प्लस का निशान लगा दो। अन्य व्ययों में 4,000 रुपए किराए पर दिए गए मकान की मरम्मत के संबंध में है, तो ये भी डिसअलाउड कर दो, प्लस का निशान लगा दो। नगर परिषद के कर गत वर्ष में चुकाए गए थे, तो ये म्यूनिसिपल टैक्स डिसअलाउड किया था ना, ये एचपी हेड में माइनस करना है आपने को, किसमें, एचपी हेड में हम इसको माइनस करेंगे। कर निर्धारण वर्ष 18-19 में फर्म को 12,380 रुपए की कर जमा प्राप्त हुई थी, टैक्स क्रेडिट बोलते हैं, तो टैक्स क्रेडिट का वो कहता है पुरानी टैक्स क्रेडिट अभी पड़ी है उसको एडजस्ट करना है, तो ये नया पॉइंट है हमारे लिए, इसको हम सीखेंगे इसी सवाल में। कर निर्धारण वर्ष 21-22 के लिए फर्म के कुल आय और देय कर, इसमें टैक्स भी कैलकुलेशन करना है, तो दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है, और ये आपका क्वेश्चन वापस इंग्लिश में यहाँ पे आ जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ये देखा कि एचपी हेड की इनकम है, इसलिए इस प्रश्न को हम सबसे पहले एचपी हेड से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ए पॉइंट लिखें, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी में आपके देखो इनकम दे रखी है 25,000 रुपए रेंट मिला था, तो रेंट लिखे 25,000। उस रेंट में से लेस म्यूनिसिपल टैक्स एमटी, तो म्यूनिसिपल टैक्स इसमें आपके कितना है 2,500, घटा दो, घटाने पर 22,500 लेस एसडी 30%, है ना। तो 30% कितना होता है घटाएं, तो घटाने पर 30% कितना आया पहले तो ये बताओ ना, 6,750 घटाया तो 15,750, ये आपके एचपी इनकम हो गया। अब आप देखो कितना छोटा हो गया एचपी। जब भी कोई प्रश्न में रेंट दे रखी हो ना, रेंट रिसीवेबल या रेंट रिसीव्ड, तो आपको ये तरीका अपनाना है, रेंट लिखना है, कोई कंपैरिजन नहीं है, सीधा रेंट, रेंट में से म्यूनिसिपल टैक्स घटाओ तो एनएवी आ जाता है, एनएवी में आपके एसडी घटा दो, स्टैंडर्ड डिडक्शन बस। अगर अगर ब्याज दिया होता तो ब्याज भी घटा देते, चार लाइनों में एचपी होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है, आगे कभी भी सवाल में आएगा तो। एचपी हेड के बाद में अब आप हेडिंग लिखिए बी, इनकम फ्रॉम बीपी हेड। तो बीपी हेड में अब आपका मेन प्रश्न स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले आप लिखिए प्रॉफिट एज पर पीएनएल। तो प्रॉफिट एज पर पीएनएल आपके 53,000 दे रखा है, 53,000, इसको अंदर की तरफ लिखना पड़ेगा बेटा, अंदर इधर 53,000, 53,000। उसके बाद में एड डिस अलाउड करना है, तो एड डिस अलाउड, तो डिस अलाउड खर्चों में कौन कौन से डिस अलाउड किए थे बच्चों, एक तो रेमुनरेशन है ना, तो लिखो रेमुनरेशन, कितना है रेमुनरेशन 52,500। उसके बाद में डिस अलाउड क्या किया बच्चों, इंटरेस्ट टू पार्टनर, नंबर दो इंटरेस्ट एट द रेट 8%, 8% डिस अलाउड करना है, तो 8% 30,000 जो दिया हुआ है ना वो 20% है, तो 8% कितना होगा वो निकाल लो, कितना आता है, हाँ बेटा, हाँ बेटा 12,000। नंबर 3 आगे
सही नहीं है क्या ये 12,000? आगे उसके बाद में नेक्स्ट आपके दे रखा है म्युनिसिपल टैक्स, तो एमटी, तो म्युनिसिपल टैक्स आपके 2,500, ये डिसअलाउड है। उसके बाद में अदर एक्सपेंसेस, तो चौथा लिखिए अदर एक्सपेंसेस। नीचे दे रखा था प्रश्न में 24,000 डिसअलाउड है। और उसके बाद में पांचवा रिपेयर, ये आपके 4,000 था डिसअलाउड है, क्योंकि ये 4,000 घर की मरम्मत का है। अब घर की मरम्मत में तो हम छूट देते नहीं है, 30% डिडक्शन ही देते हैं, यहाँ पे ये डिसअलाउड हो जाएगा। सारा जोड़े कितना होता है? हाँ बेटा 1 मिनट लेते हैं। ₹1,48,000, ठीक है। अब इस 1,48,000 में से लेस डिसअलाउड इनकम, तो इस प्रश्न में डिसअलाउड इनकम में आपके एक तो एचपी की इनकम दे रखी थी, कितना है? रेंट 25,000 घटाना है। उसके बाद में आपके इंटरेस्ट दे रखा था, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, तो वो भी अदर सोर्स की इनकम है, 30,000, ये भी घटाना है। बस इतना ही था इसमें, और कोई डिसअलाउड अपने इनकम थी नहीं, तो यहां तक करो कितना आता है। हाँ बेटा, हाँ लिखिए 93,000, ये आपका हो गया बुक प्रॉफिट, क्या कहलाएगा? सही है ना, सारी चीजें कर दी तो बुक प्रॉफिट आ गया। अब बुक प्रॉफिट आने के बाद में लेस अलाउड रेमुनरेशन, तो अलाउड रेमुनरेशन कितना दिया हुआ है? 52,500, तो 52,500 यहां पे लेस कर दो। 1.5 लाख से कम हो तो सीधा लेस करना है, कोई नियम नहीं है, फिक्स है। बिलो 1,50,000, अगर 1,50,000 से कम है तो सीधा ही आप उसको क्या कर दो, अलाउड करके लेस कर दो। अंडर सेक्शन क्या है ये? 40B, घटाने पर कितना आता है? ये आपकी इनकम हो गई 40,500, कौन से हेड की? बीपी हेड की, इसलिए सीधा बाहर लिख दिया हमने। अब लास्ट अपने लिखना है थर्ड इनकम, अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में आपके इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट ग्रॉस दे रखा है कितना है? 30,000, तो ये यहां पे 30,000 लिखें, बस टोटल लगाएं इसकी कितनी आती है। इनकम हो गई 86,250, 86,250 आपकी इनकम होगी। डिडक्शन इसमें कोई नहीं बन रही है, किसी भी धारा की छूट इसमें है नहीं, सही है ना? नहीं है तो ये आपकी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। अब टैक्सेबल इनकम हो गई तो अपना काम है इस पर टैक्स कैलकुलेट करना, तो वर्किंग नोट में आ जाओ और टैक्स कैलकुलेशन में यहां पे लिखें कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स बहुत इजी होगा इसमें, क्योंकि इसमें देखो एलटीसीजी नहीं है, कैजुअल इनकम नहीं है, 111A नहीं है, 112A B है क्या? नहीं है, कुछ नहीं है, इसका बोला अदर इनकम है, और अदर इनकम है तो सीधा टैक्स ऑन अदर इनकम। तो टैक्स ऑन अदर इनकम में आपके 86,250 एट द रेट 30%, सीधा 30% टैक्स होता है इसमें, सबसे आसान तरीका है। कितना आता है? 25,875 एड एजुकेशन सेस, एजुकेशन एंड हेल्थ सेस होता है वो, एट द रेट कितना हो गया? 4%। जोड़े कितना होता है? 4% कितना आता है? 1,035 जोड़ने पर 26,000,
910, ये आपके टैक्स आया है ना, इसमें से लेस करो टीडीएस ऑन इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट आपके 30,000 का मिला था, इस पे 10% टीडीएस कटता है तो 3,000 कटाना है, और एक आपके लेस टैक्स क्रेडिट, तो टैक्स क्रेडिट आपको घटानी है, इसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। यहां तक हो गया प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत इसमें? टैक्स क्रेडिट के लिए आप एक वर्किंग नोट बनाएं। वर्किंग नोट में ये जो टैक्स क्रेडिट निकालते हैं ना, उसका रूल ये है कि पहले तो आप अपना टैक्स लायबिलिटी लिखो, टैक्स लायबिलिटी है 26,910, ठीक है, फिर उसके बाद में लिखते हो मैट, मैट आपको पता है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, तो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स जो होता है वो आपके 19.24% से लेते हैं, कितना परसेंट से, 19.24, तो मैट टैक्स जिसको हम बोलते हैं मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, वो आपको यहां पे लेना है। 86,000 कितना था इनकम इसकी, 86,250 इंटू 19.24%, ये मैट टैक्स कहलाता है, ये मैट टैक्स 18% प्लस 4% है, तो ये 18.5% प्लस 4%, तो कितना आता है इसका टैक्स, 16,594 पॉइंट पचास, पॉइंट पचास, इसको घटाओ डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस 10,315.50। अब इसके पास टैक्स क्रेडिट कितनी थी, प्रश्न में दी हुई है क्वेश्चन में 12,380, तो 12,380 है और अभी डिफरेंस कितना आता है 10,315, तो हम इतना टैक्स क्रेडिट अभी दे सकते हैं। इसका रूल क्या हुआ, अब आप समझो इसको, आपको क्या करना है, नॉर्मल टैक्स और मैट टैक्स, इसका जो डिफरेंस होता है ना, उतना आप टैक्स क्रेडिट पिछला यूज कर सकते हो, ये रूल है, याद हुआ क्या, नॉर्मल टैक्स और मैट टैक्स, इसका जो डिफरेंस है वो टैक्स क्रेडिट यूज कर सकते हो। तो हमने डिफरेंस निकाला, डिफरेंस हुआ 10,315.5 और हमारे पास क्रेडिट पड़ी कितनी है 12,380, तो 10,000 आराम से आप यूज कर सकते हो, यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे टैक्स क्रेडिट लिख दो 10,315.5 या 50, ये भी घटाना है, घटाने पर कितना आया, 26,000 में से, 26,910 में से 3,000 ये घटा देना, 13,594.50, इसको राउंड ऑफ कर दो, तो 5 रुपए में राउंड ऑफ करेंगे या 10 रुपए में, 10 रुपए में, तो नेक्स्ट 10 रुपए में होता है तो 13,600 हो जाएगा, सॉरी पीछे 5 रुपए से कम है ना तो पीछे चला जाएगा, 13,590 ये आपका राउंड ऑफ होगा, 10 रुपए में राउंड ऑफ होता है, 5 रुपए से ऊपर होता है तो आगे बढ़ा दो और 5 रुपए से कम होता है तो पीछे ले जाओ, ये आपका आंसर दिया हुआ है। और इसमें ये देखो, ये जो टैक्स क्रेडिट यहाँ पे फिर बच गई, तो आगे इन फ्यूचर वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, टैक्स क्रेडिट का इतना ही रूल याद रखना है। तो प्यारे बच्चों, ये आज का सवाल यहीं पे समाप्त करते हैं।